हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वह मैच खेला जाएगा, बात करो दोस्तों मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। इस मैच की ग्रैंड लीग की आप लोगों को टीम बनाकर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो पिछले मुकाबले में हमने ग्रैंड लीग की टीम दी हुई थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, उस टीम से जो दोस्तों प्रॉफिट हुआ है एक बंदे को, भाई हमारा टेलीग्राम का ही मेंबर था, उसने हमको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो 59 रुपये वाले कॉन्टेस्ट में 101 भी रैंक आई है और 19,000 रुपये यह बंदा जो जीत चुका है। अब दोस्तों, मैं जैसा कि आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोगों की 1 से 5 तक रैंक तो हर बार नहीं आएगी, एक बंदे की आ जाएगी फर्स्ट रैंक है, 1 से 5 तक 5 बंदों की। लेकिन अपना उद्देश्य सिर्फ ग्रैंड लीग के माध्यम से पैसे जीतने पर होना चाहिए। जैसा ही दोस्तों इस बंदे की 101 रैंक है और 19,000 रुपये ये बंदा जो जीत चुका है, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 19,000, 20,000 या फिर आप लोग 1 लाख 2 लाख इतने रुपए जीतने का अपना ग्रैंड लीग से सीधा से सीधा मकसद है और कुछ नहीं। इस बंदे ने मेरे को मैसेज भी किया है, बहुत अच्छी टीम देते हैं भाई आप, कल मैंने 19,000 रुपये जीता भाई, थैंक यू सो मच। आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, जो मैंने टीम प्रोवाइड करवाई थी टेलीग्राम पर, और मैंने बोला था कि 1 से 2 चेंजेस जो है आप लोगों को अपनी वीडियो में जरूर कर लेने हैं। वैसा ही दोस्तों हुआ और 19,000 रुपये ये भाई जीत चुके हैं। तो आप लोग भी अगर जीतना चाहते हैं तो जीत सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस मैच में दोस्तों ग्रैंड लीग की आप लोग टीम बनाकर बताऊंगा, और 20 से 21 टीम हम लोग नहीं बनाकर बताते हैं ग्रैंड लीग की, मात्र 3 टीम बताते हैं, वहीं से आप लोग ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं और ग्रैंड लीग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला दोपहर में 3:30 बजे से खेला जाएगा 27 अप्रैल को, और इस मैच की ग्रैंड लीग की आप लोग टीम मिलने वाली है, जिससे आप लोग जो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देखना है। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर बैटिंग पिच है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 168 रन बने हैं, हाईएस्ट स्कोर 266 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट स्कोर 66 रन 10 विकेट के नुकसान पर। इस प्रकार का जो है दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस रहा है। बात करें दोस्तों पिच का, और दोस्तों यहाँ पर जो ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में जो मुकाबला खेला जाएगा वहाँ पर, टोटल मैचेस की बात करें तो 87 खेले गए हैं, या जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 40 मैच जीते हैं और जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसने यहाँ पर 46 मुकाबले जीते हैं। एक भी मुकाबला यहाँ पर बात करें तो दोस्तों मात्र दोस्तों एक ही मुकाबला यहाँ पर जो टाई हुआ है। इस प्रकार का पूरा पिच रिपोर्ट रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये क्रिकेट के स्टेट्स हैं, इनके ऊपर नहीं जाना है। क्रिकेट के स्टेट्स तो आप लोग बहुत लोग बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आप लोग ग्रैंड लीग कैसे जीतेंगे, ये तुम्हारा भाई तुमको बताएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे ग्रैंड लीग की सीरीज 3 टीमें बनाकर बता दूंगा, कोई इधर ज्यादा दोस्तों बकवास करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्रिकेट के स्टेट्स बनाकर आप लोग 35-40 मिनट की वीडियो जरूर दिखा सकता हूं, लेकिन आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपका प्रॉफिट क्या होगा, जब आप लोग टीम बनाएंगे, सीधा टीम बनाकर ही किस कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग अपनी टीम बनाएंगे सीधा वही बता देता हूं दोस्तों आगे वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है, बिना स्किप किए आधा अधूरा जो दोस्तों वीडियो देखकर अपना लॉस नहीं करवाना है। पेसर्स की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पर 7 विकेट मिले हैं, स्पिनर्स को यहाँ पर 5 विकेट मिले हैं। ये बात करें दोस्तों वेन्यू पर, यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों का दोस्तों न्यूट्रल वेन्यू है, तो दोनों को ज़्यादातर मदद यहाँ पर देखने को मिलती है, और पेसर्स को थोड़ी सी ज़्यादा है यानी 7 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट, और पेसर ज़्यादा भी टीम में खेलते हैं, इसलिए ये इफेक्ट कुछ उसका भी देखने को मिल जाता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की, तो टोटल 12 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 4 मैच जीते हैं और मुंबई इंडियंस की टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं। यानी कि आप लोग देख पा रहे हो दोगुना मैचेस जीते हैं मुंबई इंडियंस की टीम ने, यानी मुंबई इंडियंस का पड़ला बहुत ज़्यादा भारी है दोस्तों बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की तुलना में। लास्ट के 5 ईयर्स का ये आंकड़े हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी है दिल्ली कैपिटल्स की तुलना में। तो आप लोग दोस्तों अब इसके ऊपर टीम बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम का फॉर्म इतना अच्छा हो चुका है, पहले अच्छा नहीं था लेकिन अब खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं। टस्ट एंड स्टप्स ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, ये खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं भाई साहब, महेंद्र कुमार के जैसे बॉलर भी अब फॉर्म में जो आ चुके हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से किसको टीम में पिक करें, मुंबई इंडियंस की तरफ से किसको टीम में पिक करना है, साथ में जसप्रीत बुमराह को टीम में कितनी बार पिक करना है, 3 टीम बनाएंगे, तीनों टीमों में जसप्रीत बुमराह रहेंगे और रहेंगे तो क्या कैप्टन रहेंगे या सूर्य कुमार यादव कैप्टन रहेंगे, पूरी जानकारी आगे वीडियो में मिलने वाली है। सीधा टीम बनाकर ही बताऊंगा, मात्र 3 टीम ग्रैंड लीग की, वहीं से आप लोग बहुत अच्छी खासी रैंक हासिल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की, तो पृथ्वी शॉ, जैक फ्रेसर, मैग्रास, से हॉप, ऋषभ पंत, ट्रस्टन स्टॉप्स, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद, और दोस्तों बतौर सब्सटीट्यूट आ जाएंगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो एनरिक नौरकिया। तो इस प्रकार के 11 खिलाड़ी आप लोग खेलते हुए नजर आएंगे। बात करें तो दोस्तों
दिल्ली कैपिटल्स में, जिसमें से कौन कौन से खिलाड़ी आप लोगों के लिए ट्रम्प कार्ड साबित रहेंगे, किन को टीम में पिक करना है, किन को टीम में पिक करना नहीं करना है। ऋषभ पंत की बात करें, सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी इस टीम की तरफ से पृथ्वी शो भी स्कोर करते हुए नजर आते हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छा खासा रिकॉर्ड है इनका। जैक फ्रेसर मैकडॉग दोस्तों ओपनिंग करते हुए तबाही मचा रहे हैं भाई साहब, ट्रस्ट एंड स्टप्स फिनिशिंग टच दे रहे हैं, ऑलराउंडर हैं दोस्तों अक्षर पटेल जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे। तो क्या ये सारे खिलाड़ी को टीम में पिक करना है या बॉलर्स में से किसी को पिक करना है? खलील अहमद का इस पर बहुत शानदार हो जाता है स्टार्टिंग में, तो किन को पिक करना है, किन को पिक नहीं करना है, सीधे टीम कॉम्बिनेशन के साथ, किस कॉम्बिनेशन के साथ, कितने खिलाड़ी मुंबई इंडियंस से, कितने खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आपको टीम में पिक करने हैं, सीधा कॉम्बिनेशन ही आप लोगों को बता देते हैं। उससे पहले मुंबई इंडियंस के वहां पर प्लेइंग 11 के बारे में भी बात करें तो दोस्तों रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, जेरल्ड कॉर्जी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल। इसमें दोस्तों सूर्य कुमार यादव बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी आ जाएंगे, जिसमें दोस्तों यहां पर आकाश मधवाल हट जाएंगे। तो ये 11 खिलाड़ी आप लोग खेलते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो क्या सूर्य कुमार यादव को टीम में पिक कर लेना है, क्या उनको कैप्टन रख देना है तीनों टीमों में, किसको कैप्टन रखें, किसको वाइस कैप्टन रखें, ये सारा लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। आधा अधूरा छोड़कर अपना लॉस बिल्कुल नहीं कराना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो में आगे तीन टीमें आप लोग बताने वाला हूँ ग्रैंड लीग की। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना है यहाँ पर। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर आप लोगों को जो फाइनल टीम मिलती है वो भी यहाँ पर जो ग्रैंड लीग की तीन टीमें मिलेंगी और स्मॉल लीग की टीम एक अलग से मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम जो विनिंग स्क्रीनशॉट भी शेयर करते रहते हैं और बहुत सारे टेलीग्राम के मेंबर इस साल जो धमाका फोड़ रहे हैं, हमारे जो टेलीग्राम के मेंबर है भाई ग्रैंड लीग के माध्यम से बहुत अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। आप लोग भी दोस्तों बहुत अच्छा खासा पैसा जीत सकते हैं, सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन दिए, वहाँ से ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोगों ने अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो है क्रिकेट के किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्स चाहिए हो, फैंटेसी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी टिप्स चाहिए हो तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, सिर्फ दोस्तों फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो फॉलो करके मैसेज कर दे, रिप्लाई मिल जाएगा किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो दोस्तों। और ये रही हमारी वो जो तीन टीमें रहेंगी दोस्तों, जादू कर देने वाली तीन टीमें, तीनों टीमों का किस प्रकार का कॉम्बिनेशन हमारा होने वाला है एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। पहली टीम के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शो, जैक फ्रेसर मैकडॉग, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार, एनरिक नॉर्के और जेरल्ड कॉर्जी। ये दोस्तों एनरिक नॉर्के, मुकेश कुमार दो गेंदबाज तेज गेंदबाज हमने पिक किए हैं दोस्तों। बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जेरल्ड कॉर्जी और जसप्रीत बुमराह हो गए हमारे मुंबई इंडियंस की तरफ से। अक्षर पटेल एकमात्र ऑलराउंडर इस टीम में हमने पिक किए हैं। जैक फ्रेसर मैकडॉग वाइस कैप्टन और कैप्टन है हमारे ईशान किशन। सबसे यूनिक टीम आप लोगों को यही मिलेगी और सबसे अलग मिलेगी, जिसमें दोस्तों कुछ बड़े खिलाड़ियों को भी हमने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग जब तक दोस्तों बड़े खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप नहीं करेंगे तो आप लोग जो है कभी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों अपनी टीम से बड़े खिलाड़ी हटाकर देख लिए, छोटे खिलाड़ी हटाकर देख लिए, पूरे बड़े लेकर देख लिए, पूरे छोटे लेकर देख लिए, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाना आप लोगों को आना चाहिए। चार से पांच दोस्तों आप लोग छोटे खिलाड़ी टीम में पिक करने, पांच से छह जो अपन बड़े खिलाड़ी टीम में पिक करने, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आप लोग अपने ग्रैंड लीग का बनाना है। तो ये रही हमारी पहली टीम, जिसमें कैप्टन ईशान किशन, वाइस कैप्टन हमारे जैक फ्रेसर मैकडॉग। दूसरी टीम के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत है हमारी टीम में, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जैक फ्रेसर मैकडॉग, तिलक वर्मा, ट्रस्ट एंड स्टप्स, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और जेरल्ड कॉर्जी। जसप्रीत बुमराह हमने इस टीम में कैप्टन बनाया और ऋषभ पंत रहेंगे हमारे वाइस कैप्टन। इस टीम में ट्रस्ट एंड स्टप्स, जैक फ्रेसर मैकडॉग हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ये सारे खिलाड़ी हमारी टीम में जो पिक किए हुए हैं। हार्दिक पांड्या भी हैं और कैप्टन हमारे जो बॉलर जो कि जसप्रीत बुमराह हैं उनको रखा है। वाइस कैप्टन ऋषभ पंत हमारे होने वाले हैं। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो ये हमारी दूसरी टीम है। इस टीम और इस टीम में आप लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर हार्दिक पांड्या नहीं है, यहाँ पर रोहित शर्मा भी नहीं है। इस टीम की बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा है और हार्दिक पांड्या है। तो ये टीम दोस्तों और भी यूनिक रही हो गई दोस्तों। यहाँ पर जो है जो हमने जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी पिक किया है, छोटे खिलाड़ियों को भी पिक किया है, सारी जानकारी आप लोगों को ये दो टीमों में मिल जाती है। अब दोस्तों आखिरी और फाइनल टीम जो हमारी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो ऋषभ पंत, ईशान किशन बतौर विकेट कीपर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शो, जैक फ्रेसर मैकडॉग, ट्रस्ट एंड स्टप्स, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। इस टीम में हमारे कैप्टन है सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन होने वाले हैं जैक फ्रेसर मैकडॉग। ये रही दोस्तों हमारी तीन टीमें, जिन तीन टीमों को आप लोग अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा आप लोग विन कर सकते हैं किसी भी फैंटेसी ऐप के अंदर अगर आप लोग खेल रहे हैं दोस्तों, फैंटेसी की अगर आप लोग अपनी टीम बनाते हैं तो। और दोस्तों तीनों टीमों को कॉपी पेस्ट करके रख लें, साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आप लोग टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना है, अगर ग्रैंड लीग जीतना है वो भी अपने भाई के साथ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दें।